हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, फूड चैन एंड फूड वेब। आप लोगों को पता है इकोसिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, उनको रिस्पॉन्स करता है। तो जो आपस में जो ये ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं, इंटरकनेक्ट हैं, कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कितनी एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हालांकि मैं एनर्जी फ्लो के बारे में बात कर चुका हूँ, तो वो जो एनर्जी फ्लो है आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, फूड चैन के बारे में। एक्चुअली फूड चैन होती क्या है, देखो फूड चैन जो है इकोसिस्टम के अंदर जितने भी हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वो दूसरों से अपना खाना लेते हैं। जैसे कि वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, वो खुद से अपना खाना बनाने के लिए क्या है, मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है दूसरे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। यही बात करती है क्या फूड चैन। देखो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मटेरियल, फूड मटेरियल के लिए, खाने के लिए क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन ए सीरीज, एक सीरीज में इनको अरेंज किया गया है, ठीक है। इन विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म थ्रू रिपीटेड ईटिंग एंड बींग ईटन, इट इज कॉल्ड फूड चैन। देखो पहले प्रोड्यूसर्स को किसी हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया। अब देखो हर्बीवोर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर को खा रहा है, मतलब प्लांट्स को खा रहा है, ठीक है। और प्लांट्स को हर्बीवोर खा रहा है, हर्बीवोर को कौन खा रहा है, एक कार्निवोर, ठीक है ना। तो हर्बीवोर ने किसको खाया, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। और प्रोड्यूसर हर्बीवोर को दोबारा से बीइंग ईटन किसने खाया, कार्निवोर ने। एक ऐसी की एक सीरीज होती है जिसको एक अरेंजमेंट सीरीज में एक अरेंज किया गया है इन ऑर्गेनिज्म को, उसी को हम, उसमें जो चेन बनती है ना, और किसकी चेन बनती है, खाने की चेन बनती है, फूड की चेन बनती है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे खा रहा है ना, उसकी एक सीरीज बनाई गई है, उस सीरीज में उनको अरेंजमेंट किया गया है। तो रिपीटेड ईटिंग एंड बींग ईटन, इस कंडीशन को हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फूड चैन बोलते हैं, ठीक है। देखो फूड चैन में ज़्यादातर जो है चार ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर फोर ट्रॉफिक लेवल जो है पाए जाते हैं, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल भी क्या है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बट जो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर टर्सरी जो कंज्यूमर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, किसके बीच में, बिटवीन द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। क्योंकि देखो प्राइमरी कंज्यूमर किसको खाएंगे, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी को कौन खाएगा, बताइए, टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर आ जाते हैं। फिर थर्ड, अगर छोटी फूड चेन होगी इकोसिस्टम के अंदर, जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको। तो ये क्या है, फिफ्थ जो ट्रॉफिक लेवल होता है ना, फाइव जो ट्रॉफिक लेवल होता है, वो बहुत ही कम पाया जाता है। क्योंकि अब फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी जो है बहुत कम जा, मतलब बहुत ही कम क्या है, ट्रांसफ़र हो पाती है, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादातर जो है इकोसिस्टम के अंदर फोर ट्रॉफिक लेवल ही पाए जाते हैं। देखो जैसे कि ये फूड चैन है, याद रखना इस ग्राफ को, ये ग्रास है। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रही है, एनर्जी खुद बना रही है ना, और ये क्या है, खाना खुद बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, इसलिए इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। अब ग्रास को किसने खाया, ग्रास ओपर ने, ठीक है ना। ग्रास को खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्रास ओपर बोलते हैं, ठीक है, जो टिड्डा होता है जो। और ग्रास ओपर को किसने खाया, ब्लू बर्ड ने,
ये जो ग्रास ऊपर है ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कह रहे हैं, पहला ऐसा कंज्यूमर है जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जो ये ब्लू बर्ड है ये किसको खा रही है, टिड्डी को खा रही है, मीन्स ग्रास ऊपर को खा रही है ना, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब इसको स्नेक खा रहा है, हैं इसको आउल खा रहा है स्नेक को, तो ये जो है ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया और ये टॉप कंज्यूमर हो गया, या फिर कह सकते हैं अपेक्स प्रेडेटर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वार्टनरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, बट इसको टॉप कंज्यूमर के अंदर काउंट किया जा रहा है। टॉप के अंदर क्यों, इस फूड चेन के अंदर इसको टॉप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसको कोई नहीं खा रहा, ठीक है ना, आउल को कोई नहीं खा रहा है, इसलिए टॉप कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। इसकी नेचुरल डेथ जब होगी, बस ये डेड हो जाएगा तो डिकम्पोज कर दिया जाएगा बाय बैक्टीरिया, बाय फंजाई, बाय अदर ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये क्या है, फिर से जो ये डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ से फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो फिर से प्रोड्यूसर के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाएंगे, ठीक है ना, फिर से वही चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है, ये जो सीरीज है, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ब्लू बर्ड, स्नेक, आउल, डिकम्पोजर्स, तो एक चेन बन गई, ठीक है ना, और किसकी चेन बन गई, खाने की, फूड चेन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। देखो मैं एक बात और बता देता हूँ यहीं पे, जो फूड चेन होती है ना एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअल में फूड वेब एग्जिस्ट करता है, याद रखना, फूड चेन एक्चुअल में सर्वाइव नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों, पाई नहीं जाती नेचर के अंदर फूड चेन। अब ऐसा होता है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है सिर्फ एक फूड चेन हमें देखने को मिलेगी, एक फूड चेन हमें देखने को मिलेगी, ये तो सिंपलिसिटी के लिए मैंने समझाया आपको कि फूड चेन एक्चुअल में होती क्या है, कैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे को खाते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखो ये ब्लू बर्ड है, क्या ये इनडायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही क्या, अगर ग्रास ऊपर इसको नहीं खाएगा तो ग्रास ऊपर रहेगा ही नहीं, और ग्रास ऊपर रहेगा ही नहीं तो ये ब्लू बर्ड किसको खाएगी फिर, है कि नहीं है। तो क्या है, जो ब्लू बर्ड डायरेक्टली तो कर रही है डिपेंड ग्रास ऊपर के ऊपर, और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है ग्रास के ऊपर, मीन्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब एक और चीज़, फूड चेन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये ब्लू बर्ड है, क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रास ऊपर कोई खाएगी, ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ ग्रास ऊपर कोई खाए, भाई ग्रास ऊपर होंगे तो ब्लू बर्ड सर्वाइव करेगी, अदरवाइज नहीं सर्वाइव करेगी। तो ये ब्लू बर्ड जो ऑर्गेनिज्म को भी खा सकती है, हैं कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म को भी खा सकती है, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को खा सकती है, खा सकती है कि नहीं खा सकती, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरी फूड चेन में इसको क्या है, मान यहाँ पे तो इसको सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर रखा गया है, वहाँ पे मान के चलो टर्शियरी में भी रखा जा सकता है, हैं और क्वार्टनरी में भी रखा जा सकता है। तो क्या है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फूड चेन है एक्चुअल में सर्वाइव एडजस्ट नहीं करती, और जो फूड वेब एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, वास्तव में जो है फूड वेब एग्जिस्ट करती है। फूड वेब को जो फूड चेन का जो जाल होता है ना, फूड का जो जाल होता है, एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करे ना, तो हम कह सकते हैं कि फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इंसान से लगा लो, इंसान क्या सारी चीज़ें खाता है कि नहीं खाता है, वो प्लांट्स को भी खाता है, प्लांट से भी डायरेक्टली एनर्जी लेता है वो, है ना, वो एनिमल्स को भी खाता है, वो हर इंसेक्ट को भी खाता है, कई ऑर्गेनिक कई इंसान जो है इंसेक्ट को भी खाते हैं। तो क्या है, इंसान बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ग्रास को ही खाता है, बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि प्लांट्स को खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ग्रास को, प्रोड्यूसर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रास नहीं आती है, प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जैसे इंसान प्लांट्स को खा रहा है, तो यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कुछ भी खा सकता है, अगर प्लांट नहीं है ना तो वो मजबूरी में, अगर जो क्या होगा शाकाहारी होगा ना, तो उसको मजबूरी में मांसाहारी बनना पड़ेगा अगर वहाँ पे प्लांट नहीं है तो, ठीक है। तो जैसे जो डिस्कवर होते हैं ना, जो डिस्कवरी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए वाइल्ड लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हलचल वहाँ पे पाई जा रही है, देखने को मिल रहा है ना, कुछ ना कुछ डिस्कवरी करने के लिए जाते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर। तो वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड करें, सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाएं, वो जो चीज़ उनको वहाँ पे मिलती है ना उसको खा जाते हैं, ये आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखा होगा,
तो क्या है, इंसान जो है मतलब हर इंसान ही नहीं, हर ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फूड चैन एक्चुअल में सर्वाइव एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्चुअल में फूड वेब एग्जिस्ट करती है, याद रखना ठीक है। जो इसमें जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है ना, वो किसको डिनोट करते, देखो मैंने बताया था फोर ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादातर नॉर्मली जो है 3-4। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, T1 से डिनोट करते हैं और ये प्रोड्यूसर्स होते हैं ठीक है ना, जो खाना अपना खुद बनाते हैं। फिर आता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। फिर आता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये क्या है प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं इसलिए इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला गया। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर टॉप कंज्यूमर या फिर क्वार्टनरी आ जाता है जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल को खाता है ठीक है ना, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है ठीक है। ये टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएंगे, सॉरी टर्शियरी कंज्यूमर, तो टर्शियरी सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे और यहाँ पे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में इनको काउंट किया गया है और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं ठीक है ना। फाइव जो ट्रॉफिक लेवल है, फिफ्थ जो ट्रॉफिक लेवल है, वो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में पाया जाता है, हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में ठीक है ना। तो ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको फाइव जो ट्रॉफिक, नॉर्मली जो है फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है आपको देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर मीन्स टर्शियरी कंज्यूमर ठीक है ना। और जितनी छोटी चेन होगी ना, फूड चेन जितनी छोटी होगी, एनर्जी भी उतनी ही ट्रांसफ़र हो पाएगी ठीक है। देखो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में ठीक है, टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में कि फूड चेन जो है उसके कितने टाइप होते हैं। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, कौन सा, ग्रेजिंग फूड चेन ठीक है। मोस्ट ऑफ फूड चेन आर ऑफ दिस टाइप, ज़्यादातर जो फूड चेन होती है ना नेचर के अंदर, वो इसी टाइप की होती है ठीक है ना। इस फूड चेन के अंदर क्या होता है, दिस फूड चेन बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट से ये स्टार्ट होगी है ना, जो खाना अपना खुद बना रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होगी और एंड इन सक्सेसिव ऑर्डर इट गोज फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू बिग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, सक्सेसिवली कहाँ पे जाएगी, एक ऑर्डर सीक्वेंस बना देगी जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक आते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को उनसे बड़ा ऑर्गेनिज्म खाता है, उनसे फिर उन ऑर्गेनिज्म को उनसे बड़ा ऑर्गेनिज्म, उनसे उन ऑर्गेनिज्म को फिर उनसे बड़ा ऑर्गेनिज्म, तो बिग ऑर्गेनिज्म तक ये फूड चेन जो है ग्रेजिंग फूड चेन जो जाती है। प्रोड्यूस याद रखना, ग्रेजिंग फूड चेन जो है प्रोड्यूसर्स के अंदर, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है याद रखना हमेशा ठीक है ना। और सेकेंड टाइप की जो फूड चेन आती है वो डेट्रिटस फूड चेन आती है। इस चेन के अंदर क्या होता है, दिस चेन बिगिन विद डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेट्रिटस होते हैं ना, डेट्रीवोर जो होते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, डिकम्पोजिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन कैसे होती है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की, डेड ऑर्गेनिक मैटर की। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन से स्टार्ट होती है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है जो कि डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज की जाती है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेप्टोफाइटिक फूड चेन, क्योंकि सड़े गले पदार्थों पे एंड डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है, उन्हीं को सेप्टोफाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ठीक है ना। तो वो क्या है, इनको हम ऑल्सो नोन एज सेप्टोफाइटिक फूड चेन। इन दिस फूड चेन प्राइमरी कंज्यूमर आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, याद रखना प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे ना वो बैक्टीरिया एंड फंजाई होंगे, फंगस होंगे। अब देखो जो प्राइमरी कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं है ना, और वहाँ से क्या है ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है। तो ये भी एक टाइप की फूड चेन बन गई ठीक है ना। तो फूड चेन क्या हो गई, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस में जो डेट्रिटस को खा रहे हैं ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म डेट्रिटस को खा रहे हैं मीन्स सड़े गले पदार्थों को खा रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, याद रखना प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपके नोट्स के अंदर जो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन कैसे होती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन कैसे होती है, मैं वैसे बता देता हूँ आप देख लेना अपने नोट्स में। देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होगा, फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन किसको बोलते हैं, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना उनको हम फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं। वो क्या हो गया, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, प्रोड्यूसर्स जो उसके अंदर फाइटोप्लैंकटन है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया।
और जो सेकेंड मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स तो हो गए फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वहाँ पे कौन होते हैं? जू प्लैंक्टन, ठीक ना, जो एनिमल्स उस पानी के अंदर जो रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्मॉल फिशेज, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो होता है। फिर आता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और टॉप कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर खाते हैं, जो लार्ज फिश होती है। याद नहीं, ये आपके नोट्स में मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये वाला एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, ये वाला, क्योंकि यहाँ ग्रासेस से स्टार्ट हो रही है ना, ग्रास से स्टार्ट हो रही है, तो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो हो गया ग्रास हो गया, रैबिट जो हो गई वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। रैबिट को कौन खा रहा है? फ्रॉग, सॉरी फॉक्स, और फॉक्स को लॉयन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये हो गए ग्रेजिंग फूड चेन और डेटेटस फूड चेन। अब बात आती है फूड वेब की, ठीक है। फूड वेब एक्चुअल में होता क्या है? देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं ना, उसमें उसके अंदर जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है ना, जीएफसी से भी हम उसको डिनोट कर देते हैं, वो मेजर सोर्स होती है एनर्जी फ्लो की। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन मेजर सोर्स होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो का, ठीक है ना। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है ना, वो डेट्रिटस फूड चेन के अंदर होती है, जो कि स्मॉल होती है। क्यों? मैंने बताया आपको, जितनी कम फूड चेन होगी, जितनी छोटी फूड चेन होगी, जितनी स्मॉल फूड चेन होगी, उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, जैसे मान चलो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर में है 100 कैलोरी जो एनर्जी है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है 10% आएगी, तो 10% क्या हो गई उसकी, 100 का 10% क्या हो गया, 10 आ गया, है ना। और वो क्या है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर 10 डायरेक्ट 10% आ गया, अगर बैक्टीरिया को भी कोई खाए तो उसका 10% आएगा, है ना। तो इसलिए क्या है, फूड चेन जो वहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म की फूड चेन होती है, सीरीज होती है ना, तो उस वजह से वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है। और जो बाकी ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है टेरेस्ट्रियल पे, उनमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और बहुत लंबी फूड चेन बन जाती है। इस वजह से क्या है, वहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। इसलिए कहते हैं एक्वेटिक के अंदर तो ग्रेजिंग फूड चेन जो मेजर सोर्स होता है एनर्जी फ्लो का, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो धरती पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका, उनके लिए क्या है, डेट्रिटस फूड चेन जो है वो मेजर सोर्स है एनर्जी ट्रांसफ़र का। सबसे ज़्यादा एनर्जी डेट्रिटस फूड चेन में होती है, ये पॉइंट याद रखना हमेशा, ठीक है ना। और 3 से 4 लेवल जो है ना पॉसिबल हो सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में भी और डेट्रिटस फूड चेन में, इससे ज़्यादा होंगे तो एनर्जी कम होगी, ठीक है, एनर्जी, और उतना ही हमें लॉस होगा, मीन फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म को उतना ही लॉस होगा, जितनी ज़्यादा लंबी फूड चेन होगी उतना लॉस होगा, क्योंकि उतनी कम एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगी, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। अब बात आती है फूड वेब की। देखो जाल होता है, फूड का एक जाल होता है, इन बिग इकोसिस्टम मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, बहुत सारे फूड चेन, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म की फूड चेन थी, वो एक फूड चेन है, एक फूड चेन किसी और दूसरे पर्टिकुलर और इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म की फूड चेन, फिर और तीसरी फूड चेन, मतलब ऐसे करके बहुत सारे फूड चेन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरकनेक्ट हो रही हैं। मैंने बताया ना कि एक ऑर्गेनिज्म जो ब्लू बर्ड जो थी वो एक ही ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रही है, बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खा रही है, और वो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो भी तो किसी न किसी फूड चेन का ही पार्ट होंगे, है ना। इसलिए तो बोलता हूँ मैं कि फूड चेन जो है नेचर में एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, फूड वेब एग्जिस्ट करती है, याद रखना, फूड वेब एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है ना। और जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी किसी न किसी फूड चेन से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या, बहुत सारी फूड चेन बन गई तो क्या होगा, उसको हमने नाम दे दिया क्या, फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब, याद रखना,
और इसलिए क्या है, फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। देखो इन फूड वे मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हुआ। देखो फूड वे में जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का वो यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या हो रहा है? यूनी डायरेक्शनल, ठीक है ना। यहाँ से सुन लेना ध्यान से, आपके नोट्स में मेंशन है अच्छे से। जो फूड वेब है उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल होता है हमेशा। ये नहीं है कि जैसे कि एक ब्लू बर्ड ने एक ग्रास ऊपर को खा लिया तो वापस ग्रास ऊपर से ब्लू बर्ड से वापस ग्रास ऊपर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या है, जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। जो फूड वेब के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के, वो क्या है, अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चॉइस एंड टेस्ट जो होता है उनका, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपना फूड क्या कर रहे हैं ऑब्टेन कर रहे हैं। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ चॉइस एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये सब आपको भी पता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको भी पता है, क्योंकि हम सभी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। कि देखो ग्रासोपर है, ग्रासोपर को ब्लू बर्ड खाता है, ठीक है ना। लेकिन ग्रासोपर को जरूरी थोड़ी ना हर ऑर्गेनिज्म खाएगा, है ना। इंसान नहीं खाते ग्रासोपर को, कुछ खाते होंगे तो पता नहीं है, बाकी ज़्यादातर तो मेजॉरिटी जो है इंसानों की वो ग्रासोपर नहीं खाती, ठीक है। तो उसकी चॉइस होगी भाई उसको नहीं खाना, वो अच्छा नहीं लगता उसको, उसका टेस्ट नहीं है उसमें, उसको टेस्ट नहीं आता। जैसे कि आप खुद से लगा लो, आप अपनी मनपसंद की सब्जी ज़्यादा खाना पसंद करोगे, ज़्यादा फेर करोगे, है ना। तो आपको कोई सब्जी पसंद है तो उसको ज़्यादा खाने के लिए आप कहोगे, ठीक है ना, कि कोई भी सब्जी आप खा लोगे, ठीक है। तो क्यों, आपकी चॉइस है, आपका टेस्ट है, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। किसी, देखो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। अब गेहूँ जो होता है, ठीक है, गेहूँ जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है वो भी। चावल की जो फसल होती है वो भी प्रोड्यूसर होती है, ठीक है। तो ये जो अब किसी को चावल खाना पसंद है तो है तो प्रोड्यूसर ही, बट क्या है, वो चॉइस अलग होगी उनकी, टेस्ट अलग हो गया उनका, है। कोई गेहूँ खाना पसंद करेगा तो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो खा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं उसमें वो अपना खाना जो ऑब्टेन करते हैं ना, उनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं फूड वेब के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी पसंद से खाते हैं। ये नहीं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाने लग जाएंगे, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाने लग जाएंगे। तो ऐसे ही देखो इंसानों में क्या होता है, कोई कहता है मैं शाकाहारी हूँ, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, कोई कहता है मैं नॉन वेज हूँ, मीन्स वो कार्निवोर्स, मतलब शाकाहारी भी है, प्लांट्स भी खा लेता है और साथ में मांस भी खा लेता है, ठीक है। वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर रहा है वो, और उसको ज़बरदस्ती तो हम कह नहीं सकते कि तुम प्लांट्स ही खाओ, है ना। तो इस वजह से क्या, हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है ना फूड वेब के अंदर, मेंबर जो होता है पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के अंदर, वो अपनी चॉइस एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या फूड ऑब्टेन करता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप किसी एक ऑर्गेनिज्म पे फोकस करके देख लो, ये ग्रास ऊपर ले लेते हैं, ये देख रहे हो ना आप ग्रास ऊपर, ठीक है, ये क्या है ग्रास ऊपर। अब इसको कौन कौन खा रहा है, एक तो ये वाइल्ड बी, ठीक है ना, और एक कौन खा रहा है, ये रेड, ये ग्रास ऊपर किस किस को खा रहा है, ये जा रहा है सीधा, ये ग्रास ऊपर को ये खा रहा है, क्या सर्वल, और ग्रास ऊपर किस को खा रहा है, रेड ओट ग्रास को, ठीक है। अब इसको एक तो ये ग्रास ऊपर तो रेड ओट को खा रहा है और ग्रास ऊपर को ये खा रहा है, ठीक है। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, जैसे कि ये हार्वेस्टर आंट है, ये किसको खा रही है, स्टार ग्रास को, ठीक है। और इसको कौन कौन खा रहा है, एक तो पेंगोलिन और एक ये आड़वा, ठीक है, और कोई भी खा रहा है, हाँ, ये जो हार्वेस्टर आंट है इसको
ये किसको खा रही है और रेड ओट ग्रास को, स्टार ओट स्टार ग्रास को, मतलब ये रेड रेड ओट ग्रास को भी खा रही है और स्टार ग्रास को भी खा रही है, और इसको पेंगोलिन भी खा रहा है और आर्वाक भी खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, एक मेंबर हो गया, ये कंप्लीट क्या है, फूड चैन है, इसके अंदर ये एक मेंबर हो गया। अब इस मेंबर को एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, और इस ये जो मेंबर है ये एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स को खा रहा है। अब देखो प्रोड्यूसर को कौन कौन खा रहा है, प्रोड्यूसर को ये हार्वेस्टर आंट खा रही है, प्रोड्यूसर को ये गैजल जो है ये खा रहा है, और प्रोड्यूसर को और कौन खा रहा है, ये वार्ट हॉग खा रहा है, प्रोड्यूसर को और कौन खा रहा है, हेयर खा रहा है ना। तो इस वजह से क्या है, प्रोड्यूसर को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, तो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, तो क्या है, इसलिए अगर एक ऑर्गेनिज्म खाए, मान चलो सिर्फ और सिर्फ ग्रास ऊपर खाए, ग्रास ऊपर को सिर्फ ये खाए, ठीक है ना, और इसको कोई भी ना खाए, तो ये छोटी फूड चैन होगी, इसको हम बोलेंगे फूड चैन। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की अगर चेन होती है तो उसको हम फूड चैन बोलते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं और वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो वो क्या हो गया, फूड वेब कहलाती है। ये क्या है, नीचे जो दे रखे हैं ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, और ये जो हैं, ये जो इस सीरीज में दे रखे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। यहाँ से जो ये दो सीरीज है ना, दो लाइन है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर की है। और ये जो हैं, ये जो तीन ऑर्गेनिज्म हैं, मैंगोज, पेंगोलिन, आर्वा, तो ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर क्या आ जाएंगे, ये वाले ऑर्गेनिज्म, सबसे ऊपर वाले, इनको हम टॉप कंज्यूमर भी बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये हो गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ज़्यादातर कितने ट्रॉफिक लेवल आए, चार ट्रॉफिक लेवल आए ना, अगर चार से ज़्यादा होंगे ना तो समझ लेना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब देखो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, पर एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम फोकस करें ना तो ही हम देख पाएंगे, फूड चेन के अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे, ना कि फूड वेब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इस वजह से हम क्या, समझाने के लिए फूड चेन का सहारा लेना पड़ता है, अदरवाइज जो नेचर के अंदर जो है वो क्या है, फूड वेब एग्जिस्ट करती है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये था फूड चेन और फूड वेब। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और याद रखना एक बात, तो अगर इससे 100 कैलरी जा रही है ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसमें क्या है, 10% ही आ पाएगी, उससे फिर उसकी 10% आ पाएगी, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो ये क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे होता है, इससे आंट के अंदर हो गया, इससे पेंगोलिन के अंदर हो गया, अगर पेंगोलिन और कोई खाए तो उससे पेंगोलिन, पेंगोलिन से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के अंदर बहुत कम हो पाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, जितनी ज़्यादा छोटी, जितनी छोटी चेन होगी, जितनी स्मॉल चेन होगी, उतनी ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगी, याद रखना, और उतनी ही छोटी फूड वेब भी होगी, ठीक है। इस वजह से हम बोलते हैं कि फूड वेब एडजस्ट करती है, फूड चेन एडजस्ट नहीं करती, ठीक है। ये था फूड चेन एंड फूड वेब। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।